ओके फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे हीरो जीरो ऑप्शन ट्रेड के बारे में। कल के लिए 29/10/2020 के लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है एजुकेशन पर्पस के लिए, और ये एक पेपर ट्रेड वीडियो है। जैसे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है वो पेपर पर ट्रेड कीजिए, लाइव ट्रेड मत कीजिए। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। ये एक ऑप्शन चेंज का डेटा है बैंक निफ्टी का। 26 तारीख को बैंक निफ्टी 24,075 था। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट यानी एक्सपायरी डे के दिन 23,500 पे बंद होगा तो आप पुट खरीद लीजिए, और अगर 24,500 पे बंद होने वाला है तो आप कॉल खरीद लीजिए एक्सपायरी डे के दिन 11 बजे के बाद। ओके, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग था लास्ट वीडियो में। तो 26 तारीख को वो पुट का प्राइस था 120 रुपये और कॉल का प्राइस था 204 रुपये, 205 रुपये। अगर आप अभी का प्राइस यानी 2 दिन के बाद का प्राइस निफ्टी का वैल्यू देखो तो 24,232 का वैल्यू है निफ्टी का, जो 200 पॉइंट बढ़ा है 28 तारीख अक्टूबर। ओके, और यही दिन को अगर आप पुट का प्रीमियम देखो 23,500 का, तो 31 रुपये हो गया, यानी 120 से वो 31 रुपये हो गया। दैट ये अंडरस्टूड है क्योंकि मार्केट बढ़ा है 200 पॉइंट, इसलिए पुट का वैल्यू तो कम होना ही था। ओके, मगर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट तो बढ़ा है 200 पॉइंट, फिर भी कॉल का प्रीमियम जो था 24,500 का वो 200 रुपये से 205 रुपये से 108 रुपये हो गया, यानी हाफ हो गया। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये टाइम डीके की वजह से हुआ है। तो जैसे जैसे टाइम कम होते जाता है ये प्रीमियम में थोड़ा फॉल आने लगता है, यानी ये प्रीमियम खा जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है ऑप्शंस में, ये काफी कॉमन है। अगर यही चीज जैसे बैंक निफ्टी अगर 24,500 के ऊपर बंद हुआ होता आज के दिन तो काफी ऊपर इसके प्राइसेस हो सकते थे, ये एक अजम्पशन है। ओके, बट चांसेस है जब स्ट्राइक प्राइस क्रॉस करता है तो प्राइसेस कॉल पुट का काफी बढ़ जाता है। नॉर्मली अगर वो लेवल्स को क्रॉस नहीं करता जो स्ट्राइक प्राइस में आप लिया है तो प्राइसेस नीचे ही जाएगा क्योंकि टाइम डीके होता है। ओके, तो अगर आप नोटिस करोगे ये वीडियो ये स्लाइड इसी के लिए है कि प्रीमियम ऑलमोस्ट हाफ हो गया, जबकि मार्केट सब बैंक निफ्टी बढ़ा है फिर भी ये 204 या 205 रुपए से 108 रुपए हो गया। तो ये प्रीमियम क्यों घटा? ये टाइम डीके की वजह से घटा, जो हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, और ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो बंदे जो निवेश ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको तो ये पता ही होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो ये ध्यान में रख के ही ट्रेड लेना चाहिए। ओके, तो 3 सिनेरियो अभी हमने स्टडी किए हैं ये वीडियो में। करंटली बैंक निफ्टी है 24,232 पे, एक पॉसिबिलिटी है कि कल का क्लोजिंग 24,500 के ऊपर आएगा। अगर आप बिलीव कर रहे हो कि 24,500 के ऊपर बंद आएगा तो 24,500 का कॉल खरीद लीजिए 11 बजे के बाद। ओके, और इसमें कोई स्टॉप लॉस ना रखिए क्योंकि इसमें एक ही लॉट लीजिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए और प्रेपर ट्रेड कीजिए, कॉन्फिडेंस आने के बाद ही इसको लाइव ट्रेड में कन्वर्ट कीजिए। तो स्टॉप लॉस मत रखिए क्योंकि स्टॉप लॉस हिट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है एक्सपायरी डे को, बहुत वॉलेटाइल ट्रेड्स होते हैं एक्सपायरी डे को। ओके, और अगर आपका प्रॉफिट डबल हो जाता है तो उसमें से एग्जिट कर लीजिए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के उसको होल्ड कीजिए। ओके, यहाँ रिस्क लिमिटेड हो जाता है और लॉस भी लिमिटेड हो जाता है क्योंकि आप बाई कर रहे हो, कॉल भी बाई कर रहे हो या पुट भी बाई कर रहे हो, तो लॉस लिमिटेड हो जाएगा। अगर नेकेड सेल पोजिशन बना रहे हो, जैसे आप सेल कर रहे हो कॉल या पुट, तो उसमें लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा। ओके, और कल के लिए स्पेसिफिकली ये जो ट्रेड हमने बोला जैसे कॉल बाइंग का, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी डाउ जोन्स 3.5% का डाउन है अमेरिकन मार्केट्स, तो उसकी वजह से हमारा मार्केट भी काफ़ी नीचे खुलेगा। ओके, बट 11 बजे के बाद अगर आपको लगता है कि इंट्राडे बाउंस बैक आ सकता है मार्केट्स में, तो उस टाइम पे आप कोई भी कॉल यानी जो इंडेक्स चल रहा है उसी प्राइस का, उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल आप खरीद सकते हो और फिर उसको 2-2.5 बजे तक होल्ड कर सकते हो। अगर डबल हो जाता है तो निकल जाइए, अगर बाउंस बैक आता है 200-300 पॉइंट का तो ऑब्वियसली वो डबल हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर पॉसिबिलिटी है इंट्राडे बाउंस बैक का 11 बजे के बाद तो ही आप ये ट्रेड को लीजिए, वरना मत लीजिए। ओके, पॉसिबिलिटी दो क्या, दूसरा क्या है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 23,500 के नीचे बंद आएगा 11 बजे के बाद, तो आप ये कॉल ये पुट बाई कर सकते हो। ओके, कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रखना है, चांसेस यानी स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस ज़्यादा है, और बुक प्रॉफिट्स आपको बुक करने जब आपका प्रॉफिट डबल हो जाए, और या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ रिस्क काफ़ी लिमिटेड है क्योंकि आप बाई कर रहे हो
तो रिस्क लिमिटेड हो जाता है, लॉस भी लिमिटेड हो जाता है। बट कल ये ट्रेड आप नहीं ले सकते हो क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन को लेकर ड्रास्टिकली अमेरिकन मार्केट्स काफ़ी डाउन है उस हिसाब से। तो जब गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा सुबह सुबह। जैसे अभी जो प्रीमियम का प्राइस है, जैसे ओके 23,500 का कंसिडर मत कीजिए, बट 24,000, क्योंकि 200 पॉइंट नीचे खुल सकते हैं, 200 300 पॉइंट। तो 24,000 का जो पुट है वो 130 23 रुपये है, वो इमीडिएट 9:15 को जब मार्केट खुलता है 200 रुपये ओपन होगा। तो 200 रुपये पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उस टाइम पे आप ये ट्रेड मत लीजिए। ओके, और जैसे ही प्रीमियम डबल हुए उस टाइम पे मत लीजिए। 11 बजे के बाद अगर वापस थोड़ा इंट्राडे बाउंस बैक आता है या फिर आपको लगता है कि मार्केट्स अभी जो करंट लेवल चल रहा है उससे काफ़ी नीचे बंद हुआ, यानी बहुत ज़्यादा नीचे बंद हुआ, तो आप पुट खरीद सकते हो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का, उसी जो लेवल चल रहा है उसी प्राइस पे खरीद सकते हो। और फिर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट काफ़ी नीचे जाएगा तो ही आप खरीदिए जो वो लेवल से 11 बजे के बाद, तो उसमें भी आपका अगर प्रॉफिट डबल हो जाता है तो आप उसमें से निकल जाइए या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। प्रोबेबिलिटी तीन, ये पॉसिबिलिटी तीन है जिसमें आप एक्सपेक्ट करो कि मार्केट क्लोज फ्लैट बंद होगा। जब भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट फ्लैट बंद होगा तो आप जो आउट ऑफ द मनी, जैसे 24,500 का कॉल है या आउट ऑफ द मनी पुट्स है, जो 24,000 का पुट है, वो नॉर्मली जीरो हो जाते हैं अगर वही लेवल पे मार्केट अगर बंद होता है तो। मगर ये काफ़ी रिस्क है क्योंकि इसमें हम लोग सेल कर रहे हैं और सेल एक नेकेड पोजिशन है जो कभी लेनी नहीं चाहिए, आई डोंट रिकमेंड। ओके, बट जिनको ऑप्शंस का अच्छा नॉलेज है वो अधिकतर ऐसे पोजिशंस लेते हैं, सेल करके ही पैसा कमाते हैं, बट नए नए फ्रेशर के लिए एक और मुश्किल काम हो जाता है। ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑप्शन में प्रीमियम जीरो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, और ये भी कल काम नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी 24,232 का लेवल्स है, बट डाउ जोन्स 3.5% डाउन है, उसकी वजह से हमारे मार्केट्स भी काफ़ी डाउन खुलेंगे। जब काफ़ी डाउन खुलेंगे तो ऑब्वियस है कि पुट के प्राइसेस डबल ट्रिपल हो सकते हैं, हो जाएंगे, और कॉल के प्राइसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। मगर अगर इंट्राडे बाउंस बैक आता है तो वही कॉल के प्राइस जो एकदम 5 रुपये 10 रुपये है वो शायद 3 गुना 30 रुपये 40 रुपये भी हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं जो मार्केट ओपन होने पे ही पता चल सकती है कल, और कैसे रिएक्ट हो करता है आफ्टर ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो कल मैं वापस ये वीडियो रखूँगा इसी टॉपिक पे, जस्ट समझने के लिए कि ये जो पूरा ट्रेड था वो कैसे एग्जीक्यूट हुआ, क्या हुआ, कैसे प्रीमियम बढ़े या चढ़े या घटे या फ्लैट बंद हुआ या जीरो हो गया। ओके, जस्ट नॉलेज के पर्पज के लिए। ओके, तो मैंने तीन पॉसिबिलिटीज डाली है, होपफुली अगर एक साइड में भी ट्रेड बनता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी जो आपके लिए भी अच्छी है और मेरे लिए भी अच्छी है और सभी निवेशक के लिए भी अच्छी है, क्योंकि उनको जानना मिलता है कि हाउ ऑप्शन कैसे काम करता है और किस हिसाब से वो रिस्की है और कितना वॉलेटाइल है, कितना मूवमेंट आता है ऑप्शंस के प्राइसेस में। ओके फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आए। नॉर्मली ये डिस्क्लेमर है जो मैं हर एक वीडियो के लिए रखता हूँ, ये एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। हर एक निवेशक को निवेश करने से पहले अपना ओन इंडिपेंडेंट रिसर्च करना चाहिए। मैं सिर्फ मेरा ओपिनियन शेयर करता हूँ, विद नो गारंटी ऑफ गेन्स और लॉसेज ऑन इन्वेस्टमेंट, और मैं कोई से भी रजिस्टर्ड प्रोफेसर नहीं हूँ, ये मेरा ओपिनियन इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। ओके, होप ये वीडियो आपको पसंद है, अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।